प्रिज्म हम पहले देखेंगे कि प्रिज्म होता क्या है, और दूसरी चीज है प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन की जो घटना होती है यानी रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, तो वो हम लोग कैसे होता है वो सारी चीजें हम समझने वाले हैं इस लेक्चर में। तो सबसे पहले प्रिज्म जानते हैं प्रिज्म क्या चीज है। तो जैसे हम लोग लेंस की डिफिनीशन देते थे, कहते थे कि लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है जैसे कि कांच, ठीक है, यानी हमें इसमें पारदर्शी माध्यम होने की जरूरत होती है। तो हम इसमें भी इसको भी उसी तरह से डिफाइन करेंगे, हम कहेंगे प्रिज्म एक ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम है जैसा कि कांच। अब ये बना कैसा होता है, बना कैसे होता है, तो किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों से, ठीक है, किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों से घिरी हुई ये आकृति जो होती है वही आपका क्या कहलाता है, प्रिज्म कहलाता है। अब ये जो दो हमने कहा दो समतल पृष्ठ इसमें कौन से हैं, वो आपके हैं ए बी और ए सी। ए बी और ए सी दो समतल पृष्ठ हैं जो कोण ए पर झुके हुए हैं। अब इन दोनों आप ये जो दोनों पृष्ठ हैं समतल वाले जो झुके हुए पृष्ठ थे, यानी हम कह सकते हैं ए बी और ए सी, इन दोनों को क्या कहा जाता है, अपवर्तक पृष्ठ कहा जाता है, ठीक है। ए बी और ए सी को क्या कहा जाता है, अपवर्तक पृष्ठ कहा जाता है। और बी सी जो है प्रिज्म का आधार कहलाता है, ये आधार होता है, ठीक है। तो ये चीज हो गई, अब प्रिज्म हमको समझ में आया। दूसरा चीज अगर हम देखें प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, तो वो भी चीज हम समझ सकते हैं। ये दोनों अपवर्तक पृष्ठ हो गए, और उसके बाद में ये आधार हो गया, और ये जो एंगल है इस एंगल को क्या कहते हैं, अपवर्तक कोण कहते हैं, या कभी कभी इसको जो है प्रिज्म कोण भी बोल दिया जाता है, ठीक है। जिस भी कोण पर वो झुके रहते हैं वो आपका अपवर्तक कोण कहलाता है। अब यहाँ पर जो है मान लेते हैं हमारे पास जो है, अब एक चीज और देखिए मुख्य परिच्छेद क्या होता है। तो जैसे कोई भी प्रिज्म है, प्रिज्म का जो प्रिज्म के जो अपवर्तक पृष्ठ होते हैं, प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ आप देख रहे हो ए बी और ए सी हैं, इन अपवर्तक पृष्ठों के अवलंबवत किसी प्लेन के द्वारा जो प्रिज्म की काट होती है ना, जैसे मान लीजिए अपने पास ये एक प्रिज्म है, और इस प्रिज्म के अभिलंबवत अपवर्तक पृष्ठों के अभिलंबवत, ये अपवर्तक पृष्ठ है, इसके अभिलंबवत अर्थात इधर और ऊपर से किसी प्लेन के द्वारा जो काट दिया जाता है, तो जो हमको काट प्राप्त होता है वही हमारा क्या कहलाता है, मुख्य परिच्छेद कहलाता है, ठीक है। तो मुख्य परिच्छेद आपका ये चीज हो गई, यानी हमारे पास इस जो ये प्राप्त हो रहा है त्रिभुज एबीसी के जैसा हमको प्राप्त हो रहा है, यही जो है प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद होता है। अब यहाँ पर जब हमारे पास एक त्रिभुज एक मुख्य परिच्छेद है किसी प्रिज्म का एबीसी, तो उस पर हम मानते हैं कि हमारे पास एक प्रकाश की किरण किसी रंग की है ना, किसी एक रंग की या प्रकाश ही जो है हमारा आपतित हो रहा है PQ, किस साइड पर, अपवर्तक पृष्ठ AB पर हमारा आपतित हो रहा है, देख रहे हो ऐसे अपवर्तक पृष्ठ। अब आप देखिए ये एक जो प्रिज्म बना होता है ये कांच का समानता बना होता है, तो कांच ये हो गया, और ये आपके पास इधर इधर दोनों तरफ वायु होती है, तो यहां पर क्या हो गया, वायु। अब आपको पता है कि जब भी प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती तो वहां पर क्या होता है, अपवर्तन होता है, रिफ्रैक्शन होता है। तो सेम वे में यहां पर भी रिफ्रैक्शन हो जाएगा, जब प्रकाश की किरण वायु से कांच में प्रवेश करेगी तब रिफ्रैक्शन होगा, और उसके बाद में जब इधर बाहर निकलने लगेगी कांच से वायु में तब यहां पर क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा यानी अपवर्तन होगा, ठीक। तो पहली स्थिति में हम देखते हैं एक चीज और ध्यान रखना है, हमेशा आपको एक चीज ध्यान रखना है कि प्रिज्म पर जो ये आपतित प्रकाश की किरण है वो 30 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, 30 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए, यानी आपतन कोण, चलिए देखिए आगे देखते भी समझेंगे इसको। और तो हमारे पास मान लेते हैं हमारे पास कोई जो लाइट रे है यानी प्रकाश की किरण है, प्रकाश की किरण हमारे पास है PQ जो अपवर्तक पृष्ठ AB पर आपतित हुई, ठीक। तो जो ये आपतन है जहां पर ये प्रकाश की किरण आपतित हुई है उसको क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। तो ये बिंदु Q जो है जहां पर आपतित हुई है वहां पर हम AB का एक लंब ड्रा कर लेंगे, इसको हम कहेंगे अभिलंब, यानी ये इसका नॉर्मल हो जाएगा, इसको हम N1 कह देते हैं। तो प्रकाश की किरण चूंकि वायु से कांच में प्रवेश कर रही है तो ये क्या होगा, अपने अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। तो देखिए इसका नॉर्मल मैंने जब ऐसे ड्रा किया था ऐसे ये इधर आया था, नॉर्मल का मतलब ये परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। और ये वाली जो किरण है
ये वाली किरण जो है इसका अभिलंब यही है ना, अभिलंब यही है, पीछे की तरफ बढ़ाए थे, तो ये वाली किरण अपने अभिलंब की तरफ झुक गई। इसको जाना कैसे था, अगर ये प्रिज्म ना होता तो प्रकाश की किरण ऐसे सीधे निकल जाती, ऐसे ये सीधे निकल जाती। और ये जो होता PQ का प्रारंभिक विचलन होता, मतलब ये जो कितना मुड़ गई, ये इसका विचलन कहलाता है, ये इस जो लाइट रे है इंसिडेंट हुई है, ये इसका विचलन कहलाता है। अगर मैं आपसे इस एंगल की बात करूं कि ये एंगल कितना होगा, तो आप निश्चित तौर पे बता सकते हो। कैसे बता सकते हो, क्योंकि अगर मैं देखूं जैसे ये वाली लाइन, ठीक है, यानी EN है, EN1, और दूसरी है हमारे पास इधर, मैं कोई इसको डी बोल देता हूं, तो PD, तो इसके शीर्षाभिमुख कोण क्या होंगे, यानी ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, है ना। तो उस स्थिति में अगर मैं इस एंगल को, यानी एंगल R को इस पूरे एंगल में से घटा दूं, तो हमको ये एंगल प्राप्त हो जाए, ये वाला कोण हमको क्या मिल जाएगा, ये वाला हो जाएगा I-R, ये कोण हमको मिल जाएगा I-R, और जो ये कोण होगा I-R, ये कोण हो जाएगा इस किरण का विचलन, इस किरण का विचलन हो जाएगा। देखो विचलन का मतलब होता है मुड़ना यार, सीधा सीधा सरल सरल समझो, विचलन का मतलब क्या है, मुड़ना। तो प्रकाश की किरण को सीधे जाना था, और इधर ये कितना अपने पथ से कितना मुड़ गई है, यानी QR किरण के रूप में हो गई है, वही इसका क्या कहलाता है, विचलन हो गया, इस किरण का विचलन हो गया, ठीक। अब जब प्रकाश की किरण इंटर कर गई इसमें, तो यदि यदि ये वाला कोण जो है, यानी कौन सा कोण, कोण AQR, यदि कोण AQR ये बराबर होगा किसके, कोण ABC, और तथा दूसरी चीज क्या होगी, दूसरी चीज हम इधर भी देख लेते हैं, यदि कोण ARQ बराबर हो किसके, इस वाले कोण के, यानी ACB, कोण ACB, तो उस स्थिति में क्या होगा, ये जो प्रकाश की किरण कौन सी, QR, यानी जो पहले इंटर किया PQ, आपतित हुई किस पर, अपवर्तक पृष्ठ AB पर, उसके बाद में जब ये प्रिज्म के अंदर गति कर रही है, मूव कर रही है, अगर ये कंडीशन होगी तो वो आपतित किरण जो है प्रिज्म के अंदर जो है किस तरह से चलेगी, जो आधार है प्रिज्म के आधार के समांतर जाएगी, देख लो प्रिज्म के आधार के समांतर जाएगी, ठीक। उसके बाद में जब वो बिंदु R पर पहुंचेगी, तो फिर से देखिए माध्यम बदल गया, यहाँ पे कांच है और ये वायु, कांच से वायु में प्रवेश कर रही है, तो क्या होगा, विरल माध्यम में जा रही है, तो अपने अभिलंब से दूर हट जाएगी, ये रहा इसका अभिलंब N2, और N2 से वो प्रकाश की किरण क्या हो जाएगी, दूर हट जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे जो ये कोण था, ये आपतन कोण कहलाया आपका, ये जो कोण है ये निर्गमन कोण कहलाता है, ठीक है, यानी निर्गमन कोण यहाँ पर I- है। अब देखिए सेम वे में जैसे मैंने यहां पर किया था, वैसे यहां पर विचलन निकालते हैं, यहां पर हम क्या करते हैं, विचलन निकालते हैं। देखो इसका अभी डेरिवेशन, जब प्रिज्म का हम फार्मूला ड्राइव करते हैं तब इसकी जरूरत पड़ती है, इसलिए मैं पहले से ही आपको बता देता हूं। तो अब इस प्रिज्म को कितना ये मुड़ गई, इसको कैसे जाना चाहिए था, ये सीधे ऐसे, मैं ऐसे इसको ड्रा कर दे रहा हूं, पीछे की तरफ ऐसे बढ़ा देता हूं, ठीक ऐसे। तो अब आप देखो ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण पूरा कितना है, I- है, और जब ये I- है तो ये वाला पूरा कोण कितना हो जाएगा, ये भी I- हो जाएगा, और ये हमको पता है कितना है, R- है, तो ये वाला कोण भैया कितना हो जाएगा, बिल्कुल I-R-, ठीक है। अब इसी चीज को मैं पीछे और बढ़ा देता हूं, ठीक। तो जब दोनों को मैं पीछे और बढ़ा देता हूं, तो दोनों एक बिंदु D पर आभासी रूप से क्या हो रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, और ये जो एंगल होता है इसी को कहते हैं विचलन कोण कहते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ प्रिज्म, ठीक है। तो ये एंगल जो होता है वो प्रिज्म का विचलन कोण कहलाता है, और इसको हम लोग आगे और विस्तार से इसमें समझेंगे। तो देखिए इस तरह से ये निर्गमित किरण हो जाती है, प्रकाश की किरण इंटर की, उसके बाद में प्रिज्म के अगर ये कंडीशन होती है तो हमारा ये जो चीज बराबर हो जाता है, और उस वेव के बाद में अगर बराबर होता है, ये चीज ऐसे होता है, तो फिर हमारी जो प्रिज्म की किरण थी प्रिज्म के आधार के प्रिज्म में अंदर जो है प्रिज्म के आधार के समांतर गति करती हुई बाहर निकल जाती है।